नमस्कार दोस्तों, द सिरगा चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लो लेवल लेजर थेरेपी जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट को हावी करने वाली है या नहीं आने वाले दिनों में, क्योंकि लो लेवल लेजर थेरेपी आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी विज्ञापनों में आ रही है, टीवी एड्स में आ रही है, काफ़ी उसके बैनर लगे हुए देख रहा हूँ अमेजोन पे, उस प्रोडक्ट्स की काफ़ी सेलिंग में देख रहा हूँ, लोगों के मुंह पे मैं उस चीज़ के चर्चे सुन रहा हूँ। तो क्या ये चीज़ हेयर ट्रांसप्लांट को नीचा दिखाने वाली है या नहीं, क्या ये चीज़ हेयर ट्रांसप्लांट का बाप साबित होगी या नहीं, लो लेवल लेजर थेरेपी क्या सही में आने वाले दिनों में हेयर ट्रांसप्लांट का नामो निशान मिटा देगी या नहीं, ये सारी चीज़ें जो कि है दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। लो लेवल लेजर थेरेपी होती क्या है, लो लेवल लेजर थेरेपी की कॉस्टिंग क्या होती है, वो काम कैसे करती है, उसके जो भी उपकरण है उसे यूज कैसे करना है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और उसके रिजल्ट्स कब आ सकते हैं, सारी चीजें जो कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों, वीडियो आखिरी तक देखिएगा, एक भी पॉइंट अगर मिस करते हो तो सोच लो कि बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आप मिस करने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के शुरुआत में बोल देना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट बाप था, है और रहेगा। ये सारी जो चीज़ें आजकल आ रही है विज्ञापन में, जो दिखाई जा रही है कि मैं बिफोर पहले ऐसा था, तभी मुझे बच्चे चाचा कह के बुलाते थे, फिर मेरे दोस्त टॉम ने मुझे बताया कि तुम ये लेज़र कैप यूज़ करो, फिर देखो मैं आज कितना जवान हो चुका हूँ और काफ़ी सारी लड़कियाँ मुझ पर आज मरने लगी है। सो दोस्तों, दिस इज़ ऑल तुम्हारे पेन पॉइंट, तुम्हारी जो दर्द की नस है उसके ऊपर उंगली रखने का ये जो काम करती है एडवर्टीजमेंट, ये तो बात सच सच है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसे सारे विज्ञापनों में आने से पहले आप एक बारी यूट्यूब देख लीजिएगा, एक बारी उसके निगेटिव रिव्यूज़ चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि हर चीज़ पॉजिटिव ही रहती है, कुछ उसके निगेटिव पहलू भी हो सकते हैं। सो आपको जान लेना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, मैं बता दूं कि लो लेवल लेज़र थेरेपी जो कि है वो FDA अप्रूव्ड हुई है, जो कि 2016 में यानी कि रिसेंटली जो कि है FDA ने इसे अप्रूव कर दिया है, क्योंकि इसमें सही में जो कि है बिफ़ोर और आफ्टर में चेंजेस देखे गए हैं। अब मैं आपको सिंपल वे में बताना चाहूँगा, क्योंकि हर छोटे से छोटे बंदे को और बड़े से बड़े बुजुर्ग को जो कि इन्फॉर्मेशन समझ में आए। दोस्तों, हम जब स्कूल में जाते थे तब साइंस में हमें जो कि है एक प्रयोग बताया गया था, जिसमें जो कि हम कागज़ के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास रखते थे और सूरज के नीचे खड़े हो जाते थे तो कागज़ जल जाता था, कुछ इस प्रकार, देख लीजिए वीडियो। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं बस यही समझाना चाहता हूँ कि जो किरणों का प्रभाव सरफेस पे होता है, किरणों का प्रभाव, उसकी वजह से जो कि है वो कागज़ जल गया। सो दोस्तों, फिर आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आएगा कि भाई वो लेज़र लगाने के बाद मेरा स्कैल्प जल तो नहीं जाएगा, कहीं मुझे शॉक लॉस तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं बाल आने की राह देखता रहूं और यहाँ पे मैं गंजा तो नहीं हो जाऊँगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका जो कि हेयर लॉस नहीं होने वाला है उसमें। दोस्तों, इस थेरेपी का नाम ही लो लेवल लेज़र थेरेपी है, LLL, जो कि आपके L नहीं लगाएगी। तो आपको सवाल आता है दोस्तों कि अपनी स्कैल्प के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे बेहतर रहेगी। सो दोस्तों, आपको बता दूं कि 630 नैनोमीटर से लेके 670 नैनोमीटर की फ्रीक्वेंसी जो कि है आपके बालों को रीग्रो करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, और जो भी लो लेवल लेज़र इक्विपमेंट्स रहते हैं उनमें, उन उपकरणों में इतनी ही फ्रीक्वेंसी जो कि है दोस्तों किरणों की क्षमता होती है। अब दोस्तों, हमारे दिमाग में सवाल आता है कि भाई लो लेवल लेज़र थेरेपी है वो किन किन पेशेंट्स के ऊपर काम कर सकती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिनको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हुआ है, यानी कि जेनेटिक हेयर लॉस, जिनके फादर या फिर मदर की ओर से गंजापन आया हुआ है उनमें, उनके लिए लो लेवल लेज़र थेरेपी जो कि है काम कर सकती है। सेकेंडली, जो भी है मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जिनका जो कि है इस प्रकार कुछ बनाया रहता है दोस्तों, इस प्रकार की हेयर लॉस में भी जो कि है दोस्तों लो लेवल थेरेपी काम कर सकती है। थर्डली, हम बात करेंगे दोस्तों जिनकी भी हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम है, बाल जो कि बहुत पतले हो चुके हैं और स्कैल्प दिखने लगा है, उन्हें भी जो कि है लो लेवल लेज़र थेरेपी का फ़ायदा हो सकता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि लो लेवल लेज़र थेरेपी हमारे स्कैल्प के ऊपर काम कैसे करती है। दोस्तों, लो लेवल लेज़र थेरेपी के जो भी उपकरण रहते हैं वे LED लाइट के माध्यम से लाल कलर के जो भी किरण जो कि है अपने स्कैल्प पर छोड़ते हैं, तो वो किरण जैसे ही अपने स्कैल्प पर जाते हैं दोस्तों, वहाँ पे जो कि है हमें एक हल्की सी झिनझिनाहट महसूस होना शुरू हो जाता है। मतलब समझिए कि आपके स्कैल्प में जो कि है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हो गया है। जैसे ही दोस्तों आपको फील होता है कि यहाँ पे झिनझिनाहट होना शुरू हो चुका है,
फिर ये जो किरण रहते हैं, लाल कलर के किरण जो रहते हैं, आपके फॉलिकल तक जाते हैं, फॉलिकल के रूट तक जाते हैं। रूट में जो भी आपके पोषक तत्व है, जो ब्लॉक हो चुके हैं, जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है, वे पोषक तत्व एक्टिव हो जाते हैं और आपका फॉलिकल जो कि है बढ़ना शुरू हो जाता है। आपके फॉलिकल में जो कि है ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाती है। फिर आपको दोस्तों सवाल आता है कि ये ट्रीटमेंट कैसे लेनी होती है, कब कब लेनी होती है और कितने दिनों तक लेनी होती है। सबसे पहले हम बताएंगे दोस्तों कैसे लेनी होती है। आपको ये ट्रीटमेंट हफ्ते में जो कि है 3 से 4 बार लेनी होती है। 20 मिनट के लिए आपको जो कि है इन उपकरण को सर में रख सकते हो, हेलमेट की तरह, या फिर कैप की तरह पहन सकते हो, या फिर दोस्तों जो कॉम है उसे 20 मिनट तक आपको जो कि है हल्के से सर में घुमाना है। ध्यान रखिए, कॉम जब घुमाते हो तो आपके बाल टूटने नहीं चाहिए, धीरे धीरे घुमाना है। और ध्यान रखिए कि आपको सेंस हो रहा है वो जो नोकीले पॉइंट से दोस्तों वो आपके सर तक पहुंचने चाहिए, आपके स्कैल्प में वो चुभने चाहिए, तभी जाके आपको ये लेज़र कॉम उपयोगी हो सकता है। फिर आखिरी सवाल था दोस्तों आपको कि ये लेज़र ट्रीटमेंट कब तक लेनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों, ये आपको जो कि है लेते ही रहनी है, क्योंकि हेयर फॉल ये जो साइकिल है वो कभी रुकने वाली साइकिल नहीं है। तो जैसे भी ये साइकिल चल रही है तो आपको ये साइकिल भी कंटिन्यू रखनी होगी, ताकि दोनों चीज़ें बैलेंस रहे और आपका हेयर फॉल जो कि है रुक जाए और कंट्रोल हो जाए। ये ट्रीटमेंट के फ़ायदे कब दिखाई दे सकते हैं, बाल आना कब शुरू हो सकता है, क्योंकि इंसान को जो कि है सारी चीज़ें इमीडिएट चाहिए, यहाँ लगाने की यहाँ बाल चाहिए। सो दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसी चीज़ नहीं है, टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट है। इसमें जो कि काफ़ी सारा समय जा सकता है, 5 से 6 महीने आपको वेट करना होगा आपके स्कैल्प में जो कि बदलाव दिखने के लिए, आपका स्कैल्प हरा भरा दिखने के लिए 5 से 6 महीने। आपको हफ्ते में 3 से 4 बार ये करना ही करना है, 20 मिनट के लिए। आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी घूमते हो तो ये कैरी करना है आपके साथ में दोस्तों। और ये समझ लीजिए कि आपकी ये ऑक्सीजन टाइप है, तो जितना आप कंटिन्यूटी रखोगे उतना जो कि आपको इफेक्ट जल्द से जल्द मिलेगा, और जो भी आप खुशियाँ खोए बैठे हो वो जल्द से जल्द आप पा सकते हो। दिखा दो दोस्तों कुछ रिजल्ट्स के फोटो जो कि मैंने गूगल से पाए हुए हैं। इस प्रकार जो कि इफेक्ट्स आपको देखने मिल सकते हैं। आप ये फोटो देख लीजिए, फिर ये वाला फोटो देख लीजिए, फिर ये वाला फोटो देख लीजिए। इन्होंने जो कि है कंटिन्यूटी मेंटेन रखी, ठीक है, तभी जाके इनको ये रिजल्ट देखने मिले। अदरवाइज आप सोचोगे कि मैंने आज कर लिया, कल कर लिया, परसों आपको रिजल्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। कंटिन्यूटी जो कि है लो लेवल लेजर थेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी मुद्दा रहेगा इस वीडियो का कि ये खरीद कहाँ से सकते हैं और किस प्रकार के उपकरण हो सकते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों पैनल जो कि रहता है, जो बहुत सारे सैलून्स में रहता है और बहुत सारे जो कि है हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक या फिर जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनके क्लिनिक में पैनल्स अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि वह उपकरण बहुत महंगा आता है। दूसरा जो कि है दोस्तों रहता है कि हेलमेट और कैप्स रहते हैं, जो हेलमेट और कैप्स आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, जिसे चार्जिंग कर सकते हैं और अपने नॉर्मल जो सेल रहते हैं वो भी डाल सकते हो, पेंसिल सेल। सो उससे जो कि है वह उपकरण चल सकता है। तीसरा जो कि है हेयर कॉम रहता है, जो कंघी की तरह आप सेल डाल के उसे उपयोग कर सकते हो, जैसे मैंने बताया आपको। ये 750 रुपये से शुरू होते हैं और 25-30 हज़ार तक भी है। मैंने जो कि है इन प्रोडक्ट्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। आप अमेजोन में जाके कस्टमर का फीडबैक दिया हुआ रहता है इस प्रकार, वो भी पढ़ सकते हो, ताकि आपको समझ आए कि नहीं भाई ये चीज़ सही में इम्पॉर्टेंट हो सकती है और घर बैठे जो कि आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते। इस चीज़ के अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें दोस्तों, तो साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे कुछ नहीं है, बस टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। काफ़ी लंबा समय आपको जो कि राह देखनी पड़ेगी आपके बालों को देखने के लिए, बस यही जो कि इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है। अदरवाइज देर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट, ऐसा कोई साइड इफेक्ट किसी चीज़ में दिखाई भी नहीं दिया गया। अभी तक की स्टडी उसकी चल ही रही है, जैसे कोई साइड इफेक्ट आता है तो बंदा है आपको बताने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए द स्ट्रीट गाय के साथ, वीडियोस देखते रहिए, और आपको वीडियो सही में पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। नए व्यूवर्स को रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और जो भी एग्जिस्टिंग व्यूवर्स है उनके लिए ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्ट्रीट गाय इस वीडियो, लव यू फ्रॉम द हार्ट।